देखो जी, आज हम कंसोलिडेट आपको बता रहे हैं कि अलग अलग पहले हमने आपको बताया था कि अलग अलग शीट से कैसे टोटल करते हैं या कैलकुलेट करते हैं या फार्मूला लगा के कंसोलिडेट का यूज़ करते हैं, लेकिन आज बता रहे हैं हम कि किसी अलग अलग बुक में अगर वैल्यू हो तो उसको किस तरह से टोटल कर सकते हैं। तो ये देखो, एक तरह से हमने कहा ये जनवरी की सैलरी है, फिर ये हमने कहा ये दिसंबर की है और नवंबर की है। तो ये 3 मंथ्स की सैलरी है नवंबर, ये नवंबर की है, ये कब की है दिसंबर की, और ये जनवरी की। हम चाहते हैं कि ये 3 मंथ्स की जो सैलरी है किसी एक शीट पे टोटल करना है इसको। तो यहाँ पे इस शीट में आए, इसमें मैंने कहा मुझे इनको टोटल करना है, तो इतना एरिया सिलेक्ट कर दिया। यहाँ से मैंने किया कंसोलिडेट, क्या किया डाटा में जाकर यहाँ से मैंने किया कंसोलिडेट। अब यहाँ से क्या करना है, हमें ब्राउज करना है। तो यहाँ से ब्राउज करेंगे और हम कौन से मंथ में जाएंगे, मैंने कहा हमें सबसे पहले नवंबर की सैलरी को ऐड करना है। तो यहाँ से नवंबर पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने कर दिया ओके कर दिया, और फिर यहाँ से मैंने कर दिया ऐड। हाँ, फिर यहाँ से इस बटन में भी क्लिक करना है। ब्राउज करने के बाद यहाँ से हमने क्या करना है, जैसे नवंबर में क्लिक करेंगे इस बटन में क्लिक करना है और उसके नवंबर वाले एरिया में चले जाना है। ये नवंबर वाला एरिया है और उसको यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर देना है ऐसे। फिर यहाँ से इसको क्या करना है, ऐड कर लेना है, ठीक। फिर यहाँ से मैंने क्या किया, ब्राउज किया और दिसंबर की सैलरी में चले गए और दिसंबर की बुक को मैंने यहाँ से ओके करके फिर यहाँ से इस बटन में क्लिक किया। अब क्या करना है, हमें यहाँ से दिसंबर की जो सैलरी है उसकी शीट पे जाना है और उसकी जो वैल्यू है उसको भी यहाँ से ऐड कर देना है। फिर यहाँ से मैंने कर दिया ऐड। फिर इसी तरह से इस बटन में रेफरेंस बटन में क्लिक किया, सॉरी, फिर यहाँ से मैंने ब्राउज बटन में क्लिक किया और यहाँ पे मैंने कहा मुझे जनवरी की सैलरी को ऐड करना है। तो यहाँ से मैंने ओके कर दिया और फिर यहाँ से मैंने रेफरेंस बटन में क्लिक किया और उस जनवरी की जो शीट है उसके अंदर जाकर उसके अंदर जो वैल्यू है उसको मैंने यहाँ से ऐड कर दिया। अब जैसे ही हम ओके करेंगे तो तीन जो भी हमारी टोटल जिस पे हमें 3 मंथ्स की टोटल सैलरी करनी है, ओके करती है ऑटोमेटिकली वहाँ पे टोटल सैलरी ये कैलकुलेट हो चुकी है। तो पहले हमने आपको बताया था अलग अलग शीट से किसी एक शीट में कैसे कैलकुलेट करते हैं, और अब हमने आपको बताया है कि अलग अलग बुक से किसी एक बुक में कैसे वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो इस तरह से इसमें हम कर सकते हैं।